आपको काइनमास्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इस बैकग्राउंड को 15 से 20 सेकेंड के आसपास कर देना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। मैंने एक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो के लिंक दे रखे हैं, उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ पार्ट एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कैचिंग निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टूल लेफ्ट कर देना है। वीडियो क्लियर पर प्रेस करके रखना है, इसे आपको लास्ट तक लेकर आ जाना है। वीडियो के 15 सेकेंड तक रहने देते हैं, वीडियो क्लियर पर क्लिक करते हैं, कैचिंग निशान पर क्लिक करते हैं, ट्रिम टू राइट कर देते हैं, इसे भी ट्रिम टू राइट कर देते हैं। वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, कुछ इस तरह से वीडियो को आपको जूम कर लेना है। इसके बाद डन कर देते हैं तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद बिल्कुल आपको इस सेंटर में आपको यहाँ पे आपको एडजस्ट आपको कर देना है, कुछ इस तरह से। थ्री डॉट पे क्लिक करना है, सेंड टू बैक कर देना है। इस वीडियो पे इस फोटो के लेयर पे क्लिक करना है, इसे हमें फुल साइज कर देना है। इसके बाद हमें ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो के लेयर पे क्लिक करना है, क्रोमा की पे क्लिक करना है, क्रोमा की को इनेबल कर देना है। कलर की पे आना है, यहाँ पर आपको ग्रीन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डन कर देना है तो आप देख सकते हैं वीडियो हमारा कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। इसके बाद सेटिंग पे आना है, ऑडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है। शेयर पे आना है और यहाँ पे आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। और हमारा वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से तैयार हो चुका है।